पहले लोग घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर जाते थे और पालकी में दुल्हन को घर लाते थे। फिर गाड़ियों और पालकी का दौर आया और दुल्हनें गाड़ी या पालकी में ससुराल आने लगी। लेकिन अब इनके भी दिन लग गए हैं। अब दुल्हन की डोली हेलीकॉप्टर में आ रही है। कठुआ में भी वीरवार को एक दुल्हन की डोली हेलीकॉप्टर में पहुंची तो पूरा गांव उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। कठुआ के फ्लोट गांव के रहने वाले पारस वीरवार को अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर आए। पारस की पंजाब के दीनानगर में विवाह हुआ और वहां से वे अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में अपने गांव तक लाए। गाजे पाजे के साथ परिवार वालों ने दुल्हा दुल्हन का स्वागत किया। इस दौरान गांव के लोग हेलीकॉप्टर से पहुंचे दुल्हन के स्वागत को लेकर खासे उत्साहित नजर आए और उन्होंने नाच गाकर उड़ती आई इस दुल्हन का स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन यहाँ पर लेकर आए और गांव में पहली बार इस तरह का हुआ है और लोगों में काफी उत्साह हुआ है। लोग आपके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, एक्चुअली ये मेरे दादाजी की काफ़ी इच्छा थी कि जब भी शादी हो कुछ अलग स्टाइल में हो। मैं अपने दादाजी के सबसे छोटे बेटे का आगे बेटा हूँ तो उनकी चाहत कुछ अलग थी मेरे लिए। तो उन्होंने बोला था कि जब भी शादी होगी हम अलग तरह से उसकी डोली लाएंगे। और हमने क्या करना है, उसका लड़की का अपना लक होता है तो वो अपना लक लेके आई है। तो आगे और मूवमेंट्स ऐसी के लिए हम रेडी बैठे हैं। आज तो कुछ अलग हुआ, नई लाइफ स्टार्ट हो रही है हमारी आज से। तो क्या ही बोलूँ, मेरे पास वो आशीर्वाद उनका वैसे भी साथ है। आज तो वैसे ही मज़ा आ रहा है देख के, इतना खुशी हो रही है मैं बयान ही नहीं कर सकता। हाँ, आई एम फीलिंग सो ग्रेट। मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसे कभी आऊँगी, बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा कि लाइफ में मैं ये चीज़ सोच भी नहीं सकती थी, ऐसा फील हो रहा है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो परिजन है वही स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। आपका तो पूरा गांव यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप देख सकते हैं आज मैं कुछ भी इतनी खुशी से कुछ बयान भी नहीं बोल सकता कि मैं क्या बोलूं जो मेरे पिताजी थे।